और आज मैं इतना जोर कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी उनसे सिर्फ 50% किराया दिया जाएगा, 50% आबादी का, और 50% उनको किराया जो है बसों में दिया जाएगा, आधा किराया जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये हमने तय किया है। इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि हमारी बहनों को माताओं को ये बहुत बड़ा एक तोहफा होगा कि 50% आबादी के हिस्से को 50% ही किराए में छूट मिलेगी आने जाने की। ये मैं आपके बीच में आज के अवसर पर घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय, और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने सारे सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं दिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा। 250 करोड़ रुपए का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा। एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34-35 रुपए हर महीने का आता है, और 3-4 महीने के बाद बिल ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आज के बीच में बताते हुए प्रसन्नता है। और आज के इस अवसर पर एक विशेष बात को लेकर के मुझे आग्रह किया गया था, जो हमारे होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, और वहाँ इसके लिए जो किया जा सकता है वो सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और बेहतर चीजें की जा सकती है, सुंदर ये चंबा का हमारा जिला मुख्यालय, इसको और सुंदर करने की दृष्टि से हमारी सरकार जो है वो प्रयत्न करेगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।